हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रिया दर्शनी और मेरे चैनल का नाम है प्रिया सौरभ चौहान। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भारत दर्शन दिल्ली नगर निगम, तो हमारा अचानक प्लान बना यहाँ घूमने जाने का, क्योंकि मेरा भाई राखी पे मुझे राखी बंधवाने मेरे घर ही आया था। ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं जा पाई थी। तो अभी आपको ये फ़ोटोज़ जो दिख रही हैं, यही झलकियाँ आपको पूरी वीडियो में दिखने वाली हैं, क्योंकि भारत दर्शन एक बहुत ही अच्छी मॉन्यूमेंट प्लेस है घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह है दिल्ली वालों के लिए, या जो दिल्ली में आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं उनके लिए। ये व्लॉग मैं शूट करने के पर्पज़ से नहीं गई थी घूमने, लेकिन मेरे भाई बोला कि चल व्लॉग शूट कर ले, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, एक अच्छी यादगार होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस व्लॉग में हमने क्या क्या देखा, ये जगह घूमने लायक है या नहीं है। बस इसी पर्पज़ से मैंने व्लॉग शूट किया है और मुझे पहला व्लॉग है, तो कुछ मिस्टेक हो अगर तो इग्नोर करना प्लीज़। और अभी हम ऑटो में निकल चुके हैं अपने घर से और काफ़ी हमें लंबा पड़ा। हम रहते हैं लक्ष्मी नगर मंडावली में और ये है पंजाबी बाग में, तो हमें दूसरे रूट से ले गए थे ऑटो वाले भैया, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली में फ्लड्स आ रखे हैं, इस समय बाढ़ आ रखी है, तो रास्ता काफ़ी ब्लॉक था, इसलिए वो हम काफ़ी थक चुके थे। एक डेढ़ घंटा में जहाँ जाने में लगा था, लेकिन जब हम वहाँ से लौट के आए थे तब हम आराम से लौट के आ गए थे, क्योंकि तब रास्ता खुल चुका था। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं भारत दर्शन, सामने आपको दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, सारी ही चीज़ें वेस्ट मटेरियल यानी वेस्ट आयरन से बनी हैं। तो ये हमने टिकट ख़रीद लिए हैं, 150 रुपये का टिकट है केवल वीकेंड्स पे, और मंडे छुट्टी रहती है, और बाकी दिन टिकट इसका होता है 100 रुपीज़ का। तो हम 3 लोग थे, हमारा टिकट 450 का आया। अभी हम एंट्री गेट पे हैं, अपनी टिकट की चेकिंग करवा रहे हैं और अब हम अंदर गए हैं। बस ज़्यादा भीड़ हम लोगों को चेकिंग में नहीं लगी टाइम, और ये यहाँ पे आपको दिखने शुरू हो गए होंगे। तो ये MCD की तरफ से है, तो MCD ने अपना लोगो लगा रखा है यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग करके, और फिर इसके जस्ट सामने देखते ही हमें नज़ारा दिखना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ हमें दिखी, वो दिखी गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई का है और मुंबई की बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, पर्यटक स्थल है, तो दिल्ली में उसको कबाड़ से बनाया गया है। और ये हम पहले अपने धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे, शिवाय बहुत परेशान कर रहा था, और साथ में जो ये गए थे वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, बच्चे काफ़ी अच्छे हैं ये और बहुत हेल्प करते हैं, तो अगर ये शिवाय को नहीं पकड़ते तो मैं वीडियो तो बनाना भूल ही जाओ। और प्रद्युम पहली बार घूमने आया था मेरा भाई, तो वो अपना मस्त था, मज़े में था, उसके पैर में एक्चुअली चोट लगी थी, तो शिवाय को पकड़ने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया की जानकारी सारी की सारी, जो कि आपको गूगल पे भी मिलेगी, मेरे वीडियो में सही से क्लियर नहीं हुआ है, और इसमें क्या क्या यूज़ किया है, कैसे इसको बनाया है, वो सब डिटेल दूसरे वाले बोर्ड में लगा रखी थी उन्होंने। तो गाड़ी के जो टायर के रिंग्स होते हैं वो लगे हुए थे, साइकिल के जो स्टैंड होते हैं वो लगे हुए थे, तो टोटली सारा वेस्ट मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है। और ये ऊपर जो दिख रहे हैं ना, ये टायर लगे हुए हैं, तो टायर की स्मेल आ रही थी बकायदा यहाँ से, हाँ सच में। और धीरे धीरे जब शाम हो रही थी, अभी तो दिन था जब हम पहुंचे थे लगभग 5 बजे के करीब, तब यहाँ पर लाइटिंग इतनी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे लाइटिंग स्टार्ट होने वाली थी जब हम पहुंचे थे। देखिए आपको कहीं कहीं लाइट जलती हुई दिख रही होगी, तो एक कलरफुल लाइट्स जब इस पर पड़ रही थी ना, तो बहुत प्यारी लग रही थी सच में। अगर आप यहाँ जाना तो मैं सलाह दूँगी शाम के टाइम ही निकलना, 5-6 बजे के करीब, और 9 बजे तक का ही इसका टाइम है, तो सुबह 10 से रात के 9 बजे तक ये खुलता है। और इसके बाद हम आगे बढ़े, तो ये इन्होंने एक ट्री बना रखा था, जो कि पूरा का पूरा ट्री वेस्ट ऑफ डब्बे और सिलेंडर्स से बना हुआ था, तो इन पे बारिश का पानी वानी भी काफ़ी पड़ा है ना, इसलिए ये काले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जंक सी लग गई है इनमें, गेटवे ऑफ इंडिया का पीछे वाला हिस्सा। और बैठने के लिए तो यहाँ पे बहुत सही जगह बना रखी है यार, मतलब आप जाओगे थकोगे तो बैठ जाओ आराम से, क्योंकि इतना बड़ा है, घूमते घूमते थकने ही वाले हो, जाहिर सी बात है। तो वीडियो में मैं आपको बहुत कम दिखूंगी, क्योंकि वीडियो मैंने ही शूट किया है और गलती से मैंने सीधा कैमरा करके वीडियो शूट कर दिया। तो ये देखिए आप, इतना प्यारा इतना सुंदर, अगर DSLR कैमरा है ना तो प्लीज़ लेके जाना वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आने वाली हैं। और व्यू इतना प्यारा है, इतनी हरियाली है, फाउंटेन भी है, पेड़ भी है, मतलब इन्होंने इतने अच्छे से यूज़ किया है ना वेस्ट मटेरियल की, कोई बोल ही नहीं सकता यार कि ये सारा वेस्ट मटेरियल है, ऐसा लगता है जैसे स्पेशली इसी के लिए इतना आयरन यूज़ किया गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का ये
बना हुआ जो भी कुछ था। फिर हम जल्दी जल्दी आगे पढ़े तीसरी चीज़ की तरफ। तो तीसरा मॉन्यूमेंट हमने क्या देखा, अभी जस्ट आगे चल के हम देखेंगे। ये बैठने के लिए जगह वगैरह बहुत अच्छी थी यार, पार्क, मतलब पार्क ही इसका नाम है, लेकिन हरियाली ग्रीनरी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी थी बिल्कुल। तो ये थर्ड जो चीज़ पड़ी है वो है हवा महल, जो कि जयपुर में है। वो पिंक है, ये ब्लैक है, लेकिन डिक्टो बना दिया है, डिक्टो जैसे फोटोकॉपी करके छाप दिया हो ऐसा बना दिया है। और ये भी बिल्कुल एक एक बारीकी का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात ये है, तो बैठने की जगह यहाँ भी देखिए, हर मॉन्यूमेंट के सामने आसपास कहीं ना कहीं बैठने का आपके लिए स्पॉट बनाया है कि आप अच्छे से फ़ोटो शूट करिए, वीडियो बनाइए, कुछ भी करिए, कोई मना ही नहीं है यहाँ पर। तो ये मैं और शिवाय थोड़ी सी देर के लिए मेरी वीडियो बना दी भैया ने कि भाभी आप भी आ जाओ, आप वीडियो ही बनाए पड़े हो, आप दिखाई नहीं दे रहे हो पूरे वीडियो में। तो मुझे थोड़ा सा मौका दिया है बस, बाकी मेरे को मौका नहीं दिया ज़्यादा वीडियो बनाने का, क्योंकि प्रद्युम्न तो भाई अगर फ़ोन पकड़ लिया है तो वो तो सबको भूल जाएंगे, वो तो फिर अपना में बिज़ी हो जाते हैं। अच्छा, अब फोर्थ चीज़ हम क्या देखने जा रहे हैं, तो फोर्थ चीज़ है हमारे सामने, ये है देश का सबसे बड़ा गोल गुंबद, इसको यही बोलते हैं, यही लिखा था वहाँ पर जो डिस्प्ले में दे रखा था, तो मैं वही बता रही हूँ आपको। तो ये देखिए, देश का सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद जैसे बोलते हैं, और ये असलियत में इसकी जो बातें हैं वो लिखी हैं और इसमें क्या क्या यूज़ किया है वो लिखा है। तो ये एक तरीके से चार इसकी मीनारें हैं और बीच में ये गुंबद बना हुआ है। तो अब मैंने असलियत में तो इसे देखा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है सारे ही उन्होंने डिक्टो कॉपी पेस्ट किए हैं, तो ये भी कॉपी पेस्ट किया होगा। और शिवाय यहाँ पर बहुत परेशान कर रहा था भाई, तो फिर ये कैमरा का मोर्चा मेरे को ही संभालना था, क्योंकि वो शिवाय को संभाल रहे थे भैया साथ में जो गए थे। फिर अब पांचवी चीज़ हमारे सामने आती है, दिल्ली का कुतुब मीनार। देखिए कुतुब मीनार भी बना हुआ है, जिसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, और कुतुब मीनार भी बोलने लगे हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा प्लेस था बैठने के लिए। ये जो पेड़ दे रखे हैं ना ऊपर, ये पता है एक्चुअली सोलर पैनल्स हैं, और ये सोलर लाइट इनसे यूज़ होती है, और ये इतने अच्छे से बना रखे हैं कि मतलब हर इसमें सुंदरता का, आर्किटेक्ट का इतना ध्यान दिया गया है, बहुत अच्छा। मैं सच बता रही हूँ, वो DSLR कैमरा लेकर जाना, तब मज़ेदार फ़ोटो इसमें आने वाले हैं। और ये कितने प्यारे प्यारे देखो बैठने के लिए स्पॉट बने हैं, हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। और हम उस दिन गए थे तो ह्यूमिडिटी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन बारिश का मौसम था और धूप बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हाँ बारिश का मौसम था। तो ये यहाँ पर पर्सनल लोग अपनी, जब ज़्यादा भीड़ होती है, किसी के साथ ज़्यादा लोग आते हैं तो लोग अपनी पर्सनल गाड़ी कर लेते हैं, इसके साथ चार्ज अलग से जाते हैं, मेरे को इस बारे में पता नहीं है, किसी ने मुझे बताया था। तो ये पांचवी चीज़ है, नालंदा विश्वविद्यालय, ये देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी है ये। ये डिटेल्स हैं सारी की सारी, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा सब कुछ, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत फटाफट सारा का सारा पार्क घूमा है। और अच्छा एक बात है, ये इतने सारे इसमें घूमने के लिए स्पॉट है ना, कि पब्लिक जानबूझ के रुकी नहीं रही थी, सब चलते जा रहे थे और घूमते जा रहे थे, चलते जा रहे थे और घूमते जा रहे थे, क्योंकि सबको पता है बहुत सारे आगे हैं, और जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे वो अच्छे से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि शाम ढलती है तो इसमें लाइटिंग होती है, वो मज़ा आता है देखने में। ये सोलर पैनल्स हर जगह लगे हुए थे, इसका जो लाइटिंग का पूरा प्रोसीजर है वो इन्हीं पर डिपेंड है, मैंने ऐसा सुना है, वहाँ पर लोग मुझे बता रहे थे। तो ये हमारी पांचवी जो चीज़ आई है भैया, ये तो सबको ही पसंद है, मीनाक्षी टेम्पल, जो कि साउथ में है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाया हुआ था यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि असली का मीनाक्षी टेम्पल ब्राउन हो गया है, सच बता रही हूँ, इतना प्यारा लग रहा था। और हर मंदिर के आगे पता है घंटे बना रखे थे, ये जो सिलेंडर जैसा टंगा हुआ दिख रहा है ना आपको, ये घंटे हैं स्पेशली, तो जितने जितने मंदिर हमारे सामने पड़ रहे थे सबके आगे घंटे बने हुए थे बाकायदा, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। शिवाय कह रहा है मेरा हाथ छोड़ दो, मेरे को उसके अंदर जाना है, वो अंदर जा रहा था रेलिंग पार करके। देखिए लाइटिंग, अभी थोड़ी देर में लाइटिंग होगी, बहुत अच्छा लगेगा ये, हम फटाफट बस निकलते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। तो हमें इतनी देर में एक ये छोटी सी कैफेटेरिया या कैंटीन जो भी मर्जी वो बोल लो,
बस यहाँ पे मुझे एक कमी लगी, इन्होंने बैठने बैठने की व्यवस्था अच्छी कर रखी थी परंतु यहाँ पे खाने पीने का अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो पसीने के मारे मेरा बुरा हाल हो गया है यार। मैंने वैसे भी आज बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप किया सकता है कि मेरा मुंह बुरा ना लगने लगे देखने में, तो भगवान की दया से मेरा मेकअप बर्बाद नहीं हुआ बिल्कुल भी और चेहरा नॉर्मल ही लग रहा है। तो कभी ऐसी जगह पर जाएं और सफोकेशन का मौसम हो तो मेकअप प्लीज़ हल्का ही करें लड़कियों। तो पीछे मेरे बद्रीनाथ वो सॉरी द्वारकाधीश है, उनके आगे बद्रीनाथ जी हैं और अब आगे जो है वो ये वाला मंदिर है। चल रहे हैं भैया नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। यहाँ तो बड़ी गर्मी लगने लग गई बहुत बुरी तरह। नेक्स्ट चीज़ है ये, बद्रीनाथ टेंपल। अगला है ये भी कोई टेंपल लग रहा है। द्वारकाधीश मंदिर, भारत दर्शन पार्क, बिल्कुल ओरिजिनल कैंडल लग रहे हैं ये, पर ये ओरिजिनल नहीं है, सब प्लास्टिक के हैं, शो पीस वाले। कितना सही बनाया है ना। नेक्स्ट है ये मंदिर के काफ़ी सारे स्टैचू बने थे, अब घंटों की आवाज़ भी आ रही है। रामेश्वरम मंदिर, पवित्र तीर्थ। इसमें इसके काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में लिखा भी है कि इन्होंने क्या चीज़ किस चीज़ से बनाई है। ये सारा का सारा हाँ वेस्ट से बना है। आप तो फिर लोहे की मूर्तियाँ, पाइप और रॉड कहाँ कहाँ यूज़ किए, सारी चीज़ें सब लिखा है। सिलेंडर्स, एंगल और पाइप कहाँ लगाए हैं, मतलब ये हर चीज़ में दे रखा। तो बेसिकली उन्होंने पूरे चार धाम बना रखे थे यहाँ पर। और ये वाला जो मंदिर है ये जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है। और अब हम बस बढ़ते जा रहे हैं, सारे मंदिर हमारे सामने एक एक करके आते जा रहे हैं। तो ये जगन्नाथपुरी जी हैं और बहुत ही बारीकी से और सफाई से बनाए हैं। बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, बच्चों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल है ये। बच्ची पता है सारा पढ़ रही थी और एक कॉपी में लिखती जा रही थी, बकायदा बैग और पेन लेकर आई थी अपना ये। ये बच्चा देखो घंटा है बजा, ये घंटा है पता है बजा रहे थे बच्चे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। हमारे शिवाय ने भी बहुत मजे को भागने की शौक शुरू हो गई। अगर बच्चों के लिए दिमाग फ्रेश करने, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस जगह को, सस्ते में बढ़िया, तो आप बिल्कुल आ सकते हो। लेकिन बच्चों को प्लीज़ खाने पीने के लिए कुछ डाल के लेके आना बैग में। और अब हम आए हैं ये इस जगह पर, ये है महापद पैलेस। ऐसा ही दिखा था मैंने, पैलेस के बारे में सुना नहीं है, बस वहाँ जाके देखा है और काफ़ी सुंदर था। मुझे पता है सबसे सुंदर यही लगा, इसमें चारों जो मीनारें थी उसमें लाइटिंग का काम हो रखा था। ऐसे बोलते हैं कि जो पकड़ लो महावत पैलेस है वहाँ पे ये जो चारों गुंबद हैं इनमें चढ़ सकते हैं, ऊपर तक जा सकते हैं। कितना सफाई से और बारीकी से काम किया है। देखो कलर का भी ध्यान रखा गया है कि मतलब कैसा इन, ये देखो है बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है ना, बहुत अच्छा था। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है यार, मैं तो घूमते घूमते थक गई यहाँ पर, लेकिन अच्छा बना है। टाइम निकाल के आराम से यहाँ पर आओ, पैरों में खूब ताकत होनी चाहिए चलने की, तब तो यहाँ पर घूमने के लिए है अच्छा सब कुछ। लेकिन ये है यहाँ भटकेगा कोई नहीं, अपने आप रास्ते उन्होंने बना रखे हैं, जाते जाओ घूमते जाओ फिर वहाँ से घूम जाओ। ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है, वाओ। ये है सांची का स्तूप है क्या, शाम का टाइम हो गया तो लाइटिंग भी काफ़ी बढ़िया आ रही है। सांची स्तूप से निकल के अब हम आगे चलते हैं, देखें नया कौन सा मॉन्यूमेंट मिलेगा हमें। चलना बहुत पड़ रहा है यार, थक गई मैं तो। आ शिवाय ने नाक में दम किया है सही से,
थे, हम लोगों की हालत ख़राब हो गई है, खासतौर से मेरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ भैया। पैदल चलते चलते परेशान हो गए, इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है। वेस्ट ऑफ अंडर में तो सिर्फ सात ही चीज़ें थी, लेकिन ये देखो उल्टा चल रहा है, ये देखो उल्टा, इसको अपना चलना है। वेस्ट ऑफ अंडर में तो सिर्फ सात चीज़ें थी, लेकिन यहाँ अब तक हम काफ़ी कुछ घुमाए हैं और आगे भी और चीज़ें आ रही हैं। पर यहाँ पे जैसे वेस्ट ऑफ अंडर में बढ़िया सा खाने पीने का इंतजाम बाहर था, यहाँ वैसा मुझे नज़र अभी तक कुछ नहीं आया। छोटी छोटी कैंटीन दे रखी हैं बस, उसमें बहुत सामान महंगा है। इतने दूर के एरिया में अब दूसरी कैंटीन ये आई है, वो भी उतनी छोटी सी। अगला ये कुछ दिख रहा है, क्या है पता नहीं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना सारा कुछ बना हुआ है। छोटे बच्चे के साथ अगर यहाँ कोई आ गया ना, परेशान हो जाएगा बहुत बुरी तरह, क्योंकि टॉयलेट भी काफ़ी दूर दूर पर बने हैं। हाँ, और नहीं ये क्या कहते हैं, पब्लिक एरिया से भी बहुत दूर ला के बनाया है, एकदम एंड पॉइंट पे, पंजाबी बाग। ये अगला क्या निकला भाई देखें, अगला ये है विक्टोरिया पैलेस कलकत्ता का। हाँ, विक्टोरिया पैलेस। तो क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं वो सब यहाँ लिखी हुई हैं, और इसकी क्या खासियत है वो यहाँ लिखा हुआ है। हर जगह इन्हें अपनी फ़ोटो खींची है, पर इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम बिना अच्छे भाई को लिए अकेले चल रहे हैं, तो लाओ सबकी फ़ोटो क्लिक कर दें, अपनी फ़ोटो क्लिक करके बस मस्त हैं ये। वो है हम्पी का रथ। हाँ, हम्पी का रथ है। क्या हुआ, कहाँ जाना है? अभी ताजमहल और मैसूर पैलेस दो चीज़ें बची हैं, देखते हैं। एक छोटी सी बटरफ्लाई है, फोटोजेनिक प्लेसेस भी काफ़ी सारे बना रखे हैं, सब कुछ वेस्ट से बना। शिवाना आई तो यहाँ से ताजमहल दिखना शुरू हो गया है, और अब शाम हो गई है, लाइटिंग भी अच्छी खासी पड़ रही है। तो ये जगह घूमने के लिए तो खैर शाम को ही अच्छी है, दिन में अलग नज़ारा लगेगा, शाम को अलग नज़ारा लगेगा यहाँ पर। एक ताजमहल वेस्ट ऑफ वंडर में भी बना रखा है, और एक यहाँ बना है। ताजमहल से घूम के अब हम निकल गए हैं, और अगला ये देखो येलो लाइन पर ही चल रहे हैं शिवाय, इनने आज खूब एंजॉय किया है, क्यों शिवाय है ना। तो अगला है मैसूर पैलेस, बहुत ही सुंदर बना रखा है यार, सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा, एक भी चीज़ की कमी नहीं करी है, ग्रीनरी भी बनाई है बहुत प्यारी, और सब कुछ इसके अंदर जो देखो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये सब बियर की बॉटल्स वगैरह रखी हुई है। वाह यार, लाइटिंग के साथ तो उसका मज़ा ही अलग हो गया। बैठने के लिए स्पॉट भी काफ़ी सारे अच्छे बना रखे हैं, मतलब स्पेस काफ़ी है, जगह बहुत है यहाँ पर। एक ये फोटोजेनिक प्लेस यहाँ पर ये भी बना रखा है बच्चों के लिए, रथ टाइप का। इंडिपेंडेंस डे है कल, आज हम 14 अगस्त को यहाँ पर आए हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें हमें ट्राई कलर में ही नज़र आ रही है यहाँ पर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं वो सब लिखा है, और मैसूर पैलेस अपने आप में क्या है, शाही महल भी बोलते हैं इसे। ऊपर देखो, अब सारी चीज़ें यहाँ पर एंड हो गई हैं शायद, और अब हम बाहर निकल रहे हैं, शायद में भी सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं यहाँ पर, अब हम बाहर जा रहे हैं। नो एंट्री, अभी कुछ और भी है क्या, ये है शायद कुछ और है। अरे अभी तो बहुत कुछ बचा है, मेरे को तो लगा ख़त्म हो गया। अभी देखो चार मीनार, कोणार्क टेम्पल, अजंता एलोरा, खजुराहो टेम्पल,
तो ये है चार मीनार। यार शाम के टाइम कितना प्यारा लग रहा है, लाइटिंग वाइटिंग के साथ एकदम सुंदर, बहुत ही प्यारा। शिवाय को गोदी चढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ये कोणार्क टेंपल है, कोणार्क टेंपल, कोणार्क टेंपल, कोणार्क। मैं तो बड़ी स्पीड में भाग रही हूँ। ये भगवान बुद्ध जी घर लेटे हुए हैं, बना हुआ है। ये है ये अजंता एलोरा, कल 15 अगस्त है इसलिए देखो कितने प्यारे प्यारे सॉन्ग बज रहे हैं। और वहाँ देखो बच्चों के लिए बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी हैं, ये देखो रोलिंग डॉल। दस भाई गोल गोल घुमा के उसे, खजुराहो का मंदिर। तो ब्लॉग जस्ट एंड अप पे आने वाला है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर ज़्यादा लंबा वीडियो लग गया हो तो स्किप कर करके देख लेना, लेकिन अपना प्यार ज़रूर देना वीडियो को। सो फाइनली अब हम एंड पे थे। थैंक्स फॉर विजिट का बोर्ड आ गया है, जिसका मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी पैदल चल चल के। तो इन्होंने हमें यहाँ से गेट आउट का रास्ता दिखा दिया है, घूम लिया, निकलो यहाँ से अब। तो ये था ब्लॉग भारत दर्शन का, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, ओके। ये थोड़ा मोड़ा बाहर खाने का सामान भी मिलता है, यहाँ पे कुछ बस खाने पीने का ढंकन नहीं मिला यार, मैं बहुत परेशान हो गई। और ये लास्ट में एक और एंड मिल गया है, 15 अगस्त की वजह से हमें ट्राई कलर यहाँ भी दिख गए हैं। फ़ोटो खींच लेना अपने, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, ओके।